गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसलेशन में मॉडल एक्सिलरी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में कैन गुड का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं मे और माइट का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग ट्रांसलेशन में क्या होता है इसको देखते हैं। इसका प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब प्रेजेंट टेंस में इसका किस किस अर्थ में प्रयोग होता है? पहला होता है परमिशन के अर्थ में। परमिशन मींस अनुमति। अनुमति के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। जैसे क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं? क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूं? इसका हो जाएगा मे आई सी यू टुमारो। क्लियर, ये हो जाएगा इसका परमिशन के अर्थ में। दूसरा इसका होता है संभावना, पॉसिबिलिटी। संभावना के अर्थ में, संभावना के अर्थ में इसको देखेंगे कैसे होगा। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, इसका हो जाएगा इट मे रेन टुडे। संभावना के अर्थ में तीन प्रयोग होते हैं जनरली, अगर आप देखें बात करें तो P1, P2, P3। अगर सामान्य संभावना हो तो मे का प्रयोग करेंगे, उससे अधिक संभावना हो तो माइट का प्रयोग करेंगे, और सबसे अधिक संभावना हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे जनरल वे में हम कहें आज वर्षा हो सकती है, बादल आ जाए और हम सोचें कि शायद बादल आए हैं, बारिश हो सकती है, तो मे का प्रयोग करें। अगर थोड़ा सा अब मानसून पूरा बन जाए और ये लगे बस होने वाली ही बारिश, तो ये हो जाएगा माइट का प्रयोग। अगर बूंदाबांदी शुरू हो जाए, मौसम अच्छा बना हो और बूंदाबांदी शुरू हो जाए, तो फिर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो संभावना के रूप में इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लें। या शुभकामना, विश या शुभकामना के अर्थ में मे का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देख लें, ईश्वर करे आप दीर्घायु, तो ये हो जाएगा इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग किया जाता है, या और इस सेंटेंस को आप टेटू सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे तो मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर, इसके बाद अगला इसका रूल होता है पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, उद्देश्य बताने वाले वाक्यों में, वाक्यों में सो दैट के साथ
के साथ प्रेजेंट में मे का प्रयोग किया जाता है। पर्पज उद्देश्य बताने वाले सेंटेंसेस में सो दैट के साथ प्रेजेंट में मे का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में माइट का, उसको आगे बात करेंगे। तो ये जैसे वह कठिन परिश्रम करता है, करता है ताकि अच्छे अंक पा सके। ये उद्देश्य को शो करता है, प्रेजेंट में है। तो ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। इसके बाद आता है यूज ऑफ माइट, और आप सब लोगों को पता होगा कि माइट जो होता है ये मे का पास्ट होता है। तो मे के पास्ट के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है, या ये कह सके जब पास्ट में सकना के अर्थ में, पास्ट में सकना के अर्थ में माइट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें, पॉसिबिलिटी की ये ओ होगा, ध्यान देना इसको, पॉसिबिलिटी संभावना के अर्थ में, संभावना के अर्थ में मे का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये चीज देख लेते हैं। एग्जाम्पल, उसने कहा कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं। यह हो जाएगा ही सेड दैट वी माइट। नरेशन के रूप से अगर आपको याद हो, और नरेशन आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नरेशन के देखिएगा, 11 वीडियोस पड़े हैं नरेशन पूरा, आप वहां को पूरा का पूरा नरेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग वहां चेंज ऑफ एक्जिलरी का एक चैप्टर होगा, उसमें देखेंगे कि जितनी एक्जिलरी हैं उनका पास्ट क्या होगा। जय मार का वाज वेयर विल कवुड सर कसुड कैन कुड मे का माइट। तो ये नरेशन में मे के स्थान पर पास्ट में माइट का प्रयोग किया गया है। तो ही सेड दैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम, क्लियर। तो ये पॉसिबिलिटी के अर्थ में हम पास्ट में माइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा, परमिशन, अनुमति। पास्ट में अनुमति के अर्थ में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा कि मैं उसकी कार प्रयोग कर सकता हूं। तो ये भी नरेशन को ही शो करता है। कहा, अगर यहाँ कहता होता तो प्रेजेंट शो करता, तब टेंस चेंज नहीं होता, फिर मे का ही प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, आप नरेशन में देखिए गया पढ़े होंगे, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पर कहा के स्थान पर कहता होता तो फिर यहाँ पर मे का ही प्रयोग करते,
ये हो जाएगा ही सेड दैट आई माइट यूज हिज कार। क्लियर। यहां पर से अगर हम बात करें डायरेक्ट सेंटेंस में, यहां पर तुम रहा होगा, ठीक है, क्लियर। जब इनडायरेक्ट बनता है तो सन अपॉन 1, 2, 3 सन बटा 123 की रूल से प्रोनाउन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया है, क्लियर। इसके बाद आता है तीसरा, होता है पर्पस, उद्देश्य। अभी मे के प्रयोग में आपने देखा कि उद्देश्य बताने वाले सेंटेंसेस में सो दैट के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। अभी आपने मे के प्रयोग में देखा कि उद्देश्य बताने वाले सेंटेंसेस के साथ सेंटेंसेस में सो दैट के साथ यहां आप पास्ट लिख सकते हैं, पास्ट में, वहां था प्रेजेंट में, किसमें था, प्रेजेंट में मे का प्रयोग किया गया है और यहां पास्ट में माइट का प्रयोग करते हैं। नोट कर ले, फिर एग्जांपल आगे बता। दवा लेता था ताकि वह ठीक हो सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही टुक मेडिसिन so that he might get well। ये हो जाएगा, वह दवा लेता था ताकि वो ठीक हो सके, तो वो he took medicine so that he might get well। लाइट चली गई है इसलिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इतना ही, आप लोग ये रूल्स लिखिए और आपके पास कोई ना कोई बुक, ग्रामर की बुक अवश्य होगी, उस बुक से आप लोग इनके सेंटेंसेस बनाइए और देखिए, ट्रांसलेशन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सेंटेंस आपको नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।